ट्रेडिंग के सभी प्लेटफॉर्म जोखिम के अधीन है, इनकी आपको लत लग सकती है, संभलकर खेलें, अपनी जिम्मेवारी पर खेलें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है फिट एंड फाइन होंगे। बहुत लोगों के मेरे पास जो है कमेंट्स आते हैं कि सर जो है हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो हमें लॉस होता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रेडिंग जो है मैंने यहाँ पे की है और ये मेरी ट्रेडिंग जो है विन हो गई है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, ये मेरी जो ट्रेडिंग थी वो मेरे खुद के एक एक्सपीरियंस से ट्रेडिंग थी, क्योंकि मैं 5 साल से यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो चुका है। लेकिन आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप न्यू ट्रेडर होते हैं तो आपको जरूरत होती है इंडिकेटर की, ठीक है, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस की। मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप रियल पे तो प्रैक्टिस ना करें, आप डेमो पे जाके प्रैक्टिस करें और मैं आपको वीडियो में बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा कि प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है, वो भी जो है इसी वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से डेमो पे प्रैक्टिस करोगे, अगर आप आके फिर रियल पे करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट जो है मिलने वाला है, ठीक है। वो प्रैक्टिस किस तरीके से होती है वो भी जो है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ऊट पटांग ट्रेडिंग करने से या प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने रियल में जो है यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपीज जो है रखे हैं डेमो अकाउंट में, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस आपको डेमो पे किस तरीके से करनी चाहिए। अगर आप डेमो पे प्रॉफिट कर लेते हो तो आप रियल पे भी आके प्रॉफिट जो है करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैं आप लोगों को पहले तो इंडिकेटर जो है एक्टिव करके दिखाना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए इंडिकेटर है जो न्यू हैं या फिर जो है प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। इसे मैकडी को आपको क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ पे आपको 13, यहाँ पे आपको 25, यहाँ पे 11, बाकी सब कुछ डिफॉल्ट अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे गाइज आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है। तो आपको एक अच्छी करेंसी जो है देखनी है जहाँ पे आपको इंडिकेटर जो है मिल रहा हो, करेंसी गाइज कोई भी हो, ठीक है। अभी फिलहाल जो है अगर आप देखेंगे परसेंटेज जो है बहुत डाउन मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलूंगा कि इस परसेंटेज पे बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें। परसेंट आपको 84, 82, 79 लास्ट होना चाहिए, ठीक है, इतने पे नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे वीडियो बनानी है तो मुझे एक अच्छी करेंसी की जरूरत है फिलहाल, तो इसलिए जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है ट्रेडिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइज मैंने ट्रेडिंग कर ली है और यहाँ पे फिलहाल जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, ये मेरी ट्रेडिंग जो हुई है वो 15 मिनट की जो है हुई है, ठीक है। ये 15 मिनट की जो है ट्रेडिंग चल रही है, तो अभी इसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि ज़्यादा वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा इस इंडिकेटर के बारे में, यहाँ पे रेड आपको लाइन दिख रही है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है एक रेड कैंडल्स दिख रहा है और ये रेड लाइन से जो है येलो लाइन जो है नीचे की तरफ जो है आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैंडल्स आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउन की तरफ, यानी कि यहाँ पे हमें ये सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट डाउन की तरफ जो है जाएगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है इसको जो है हम रहने देते हैं, किसी और करेंसी पे जो है हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जो है हमारी 1 मिनट की जो है ट्रेडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को इंडिकेटर के बारे में बताना चाहूँगा, इसको जो है करेंसी को हम छोड़ देते हैं, एक ऐसी करेंसी लेते हैं जहाँ पे हमें सही तरीके से इंडिकेटर मिल रहा हो और हम जो है ट्रेडिंग कर सके, ठीक है। अपने माइंड से आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको जो ट्रेडिंग करनी है ना सिर्फ इसी इंडिकेटर के बेस पे जो है ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो मैं फिलहाल जो है यहाँ पे कुछ करेंसी जो है चेक कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि किसी भी करेंसी पे जो है मुझे इंडिकेटर मिल जाए और मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग करके दिखा दूँ, ठीक है। कहाँ पे ट्रेडिंग करनी है ये जो है मैं आपको इसी वीडियो में जो है बताऊंगा। इसके लिए जो है मैं बार बार जो है करेंसी देख रहा हूँ कि एक ऐसी करेंसी जो है हमें मिल जाए जहाँ पे जो है हम प्रॉफिट कर लें। तो देखिए गाइज यहाँ पे एक करेंसी फिलहाल जो है अगर आप देखेंगे ग्रीन कैंडल्स येलो लाइन रेड से ऊपर है, हॉरिजॉन्टल से जो है यहाँ पे ग्रीन है। लेकिन गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है रेड कैंडल जो है बार बार जो है ग्रीन को छोड़ के रेड कैंडल जो है बन रहा है और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो रेड बन रहा है। तो हो सकता है हमें यहाँ पे ये इंडिकेटर मिल रहा हो कि मार्केट जो है डाउन की तरफ जाने वाली है। तो इसके लिए गाइज हम क्या करेंगे, इस कैंडल्स को जो है समाप्त होते हुए देखेंगे। जब ये कैंडल समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है अगर ये ग्रीन कैंडल्स निकलता है तब जो है हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमें सारी जानकारी सही मिल रही है या नहीं।
अभी फिलहाल रेड कैंडल्स है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल्स बनता है, ठीक है, ये वाला आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है रेड बनता है, तो यहाँ पे हमें ये इंडिकेटर मिलेगा कि यहाँ से मार्केट जो है डाउन जा सकती है। अगर ये कैंडल जो है ग्रीन बनता है, ठीक है, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कैंडल जो है थोड़ा सा जो है अगर आप देखेंगे हैमर की तरह जो है ये कैंडल्स बना है। अब यहाँ पे जो है मैं 8000 रुपीज की आप लोगों को ट्रेडिंग करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन 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 येलो लाइन जो है रेड से ऊपर, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स तो सभी तरीके के ग्रीन चल रहे हैं। यहाँ पे और ट्रेडिंग कर लेता हूँ, मैंने दो ट्रेडिंग यहाँ पे कर ली है। अगर ये कैंडल्स और डाउन की तरफ आएगा इस तरीके से तो मैं और ट्रेडिंग यहाँ पे कर लूंगा, ठीक है। 8000 रुपीज की जो है हमें यहाँ पे हमने ट्रेडिंग की है। अब यहाँ पे टोटल हमारी 4 ट्रेडिंग लगी हुई है, ठीक है। और ये कैंडल जो है अगर ग्रीन बनता है, एक ठीक कैंडल्स बनता है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो कैंडल जो है ग्रीन बन रहा है और कंटिन्यू ग्रीन बन रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ग्रीन है और यहाँ पे येलो लाइन जो है रेड से ऊपर है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और अभी जो है यहाँ पे कैंडल जो है ग्रीन कुछ इस तरीके का चल रहा है, ये आप देख सकते हो। फाइनली जो है मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, 44,160 रुपीज जो है मुझे मिल चुके हैं। यहाँ पे मेरा अमाउंट भी बढ़ चुका है, ठीक है। 3 ट्रेडिंग की थी और एक ये गोल्ड वाली जो 15 मिनट वाली है वो अभी भी यहाँ पे चल रही है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये ज्यादा बड़ी जो है हमारी ट्रेडिंग लग गई, ठीक है, ये गोल्ड पे जो है 15 मिनट की जो है यहाँ पे ट्रेडिंग लग गई। अगर आप देखेंगे यहाँ पे रेड कैंडल जो है अभी फिलहाल बन रहा है, यहाँ पे भी जो है रेड कैंडल्स है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे येलो लाइन जो है रेड को टच कर रही है, ठीक है। जैसे ही ये टच करे लाइन, ठीक है, ये येलो लाइन जो है इसको टच करेगी तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग जो है डाउन की तरफ करेंगे। ज्यादा बेहतर ये रहेगा अगर ये रेड कैंडल जो है नीचे की तरफ इस तरीके से आ जाए, ठीक है, और येलो लाइन जो है रेड को नीचे की तरफ जो है कट कर दे, तब जो है यहाँ पे चांस हो जाता है 95%। अगर अभी भी आप ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे 70 से 80% जो है चांस है आपका यहाँ पे मार्केट जो है आप प्रॉफिट कर लोगे। देखिए दूसरा कैंडल्स भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेड बन गया है और येलो लाइन ने जो है इसको टच कर दिया है, अगर आप देखेंगे रेड की तरफ, तो हमें यहाँ पे इंडिकेटर मिल रहा है कि मार्केट डाउन की तरफ जो है जाएगी, ठीक है। अभी जो है अगर आप देखेंगे तो कैंडल जो है ग्रीन बन रहा है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनने की वजह से अगर ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग और कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेडिंग और कर ली है और ये इसलिए की है कि अगर किसी कारण ये ट्रेड जो है मेरी लॉस हो जाए तो ये ट्रेड जो है हमें फिर से जो है प्रॉफिट में चली जाएगी और हमारा लॉस जो है सारा रिकवर जो है करके दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग करके दिखाई, एक ट्रेडिंग जो है मैंने यहाँ पे करके दिखाई, इसमें जो है मुझे प्रॉफिट हुआ, और दूसरी ट्रेड जो है मैंने यहाँ पे करके दिखाई और अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जो है मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। और आप देखेंगे करेंसी जो है ये है और यहाँ पे परसेंटेज जो है हमें यहाँ पे मिल रहा है 84 जो है परसेंट जो है हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये आप देखेंगे ये मेरी दोनों ट्रेड जो है विन हो चुकी है। फिर से जो है आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, एक ट्रेडिंग जो है मैंने कर ली है, ठीक है। अभी ये कैंडल्स अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मैं यहाँ पे और ट्रेडिंग कर लूंगा, ठीक है, जिस तरीके से अभी की थी मैंने उसी तरीके से जो है मैं और ट्रेडिंग कर लूंगा। अगर ये कैंडल जो है डाउन की तरफ जाता रहता है तो फिर जो है मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ठीक है। अगर ये कैंडल्स यहाँ पे आ जाएगा कैंडल समाप्त होने से पहले, अभी तो है ये कैंडल्स नहीं जाएगा क्योंकि अभी ये कैंडल्स ये आप देख सकते हो यहाँ पे 29 सेकेंड जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो अब जो है हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। प्रॉपर जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहां पे अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल जो है यहां पे निकला हुआ है, येलो लाइन जो है नीचे की तरफ है और मैंने बोला था जब भी इस तरीके से आपको एंट्री मिलेगी तो यहां पे 95% जो है आप प्रॉफिट करोगे, 90 से 95% जो है परसेंट प्रॉफिट करोगे, क्योंकि ये एक जबरदस्त इंडिकेटर जो है होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। इस वाले कैंडल्स पे जो है मैंने आप लोगों को बोला था जैसे ये डाउन की तरफ जो है आए तो आप ट्रेडिंग करोगे तो 95% है, और इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ से ऊपर हो तो 70% जो है आपके विनिंग के चांस जो है होते हैं, ठीक है। मैं आपको परसेंटेज भी बता रहा हूँ। अब गाइज मैं यहाँ पे जो है डेमो पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं डेमो पे
जो है आ चुका हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे अकाउंट में यहाँ पे 4992 रुपीज हैं। ये इसलिए हैं कि मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है समझाना चाहता हूँ, आप समझें कि एक्चुअली मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए करेंसी जो है आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी करेंसी है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको जो है ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ट्रेडिंग की 400 रुपीज की, ठीक है। अब प्रैक्टिस जब आप करेंगे वो अमाउंट से प्रैक्टिस करें जो आप रियल अकाउंट में लेके आना चाहते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे 5000 रुपीज से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे 5000 रुपीज जो है मैं यहाँ पे 5000 को 6000 रुपीज में कन्वर्ट कर लूँ या फिर जो है 6500 रुपीज में कन्वर्ट कर लूँ तो मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ। ऐसा नहीं है कि 5000 रुपीज को आप ये सोचो कि जो है 5000 रुपीज को आप 15000 में या 20000 रुपीज में कन्वर्ट कर लोगे एक दिन में तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं हो, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 400 रुपीज की ट्रेडिंग की, अब ये मेरी 400 रुपीज की जो है ट्रेडिंग विन होगी। इसी तरीके से जो है आप मान के चलें अगर आप 5000 को 6000 रुपीज में डेली 6500 रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉपर नॉलेज हो गई है ट्रेडिंग की और आप रियल पे भी जाके ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर ये 5000 रुपीज को आप 6000 या 6500 रुपीज में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉपर ट्रेडिंग करना नहीं आया है गाइज। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा ये आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए जो है आप प्रैक्टिस करते रहें, ट्रेडिंग सीखते रहें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 728 रुपये जो है हो चुके हैं और यहाँ पे जो है मेरा अमाउंट भी बढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरा अमाउंट कितना है ये भी जो है आपको दिख गया है, तो यहाँ पे मेरा फिलहाल जो है प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे 5320 रुपीज जो है हो चुके हैं। डेमो अकाउंट है ये आप देख सकते हो, रियल जो है मेरा वो अकाउंट है। अब मैं यहाँ पे आपको मेन चीज जो है एक बात समझाना चाहूंगा ट्रेडिंग के अंदर। आप एक गलती सबसे ज्यादा करते हो ट्रेडिंग के अंदर, यहाँ पे आप 800000 से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आप एक 800000 पे 80000 रुपीज की भी ट्रेडिंग कर रहे हो, पहली अगर वो लॉस हो जाती है तो आप 400000 की भी कर लोगे, मुझे पता है अगर वो लॉस हो जाएगी उससे ज्यादा की कर लोगे, क्योंकि आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा है, आपकी दो ट्रेडिंग जो है लॉस हो रही है और एक विन हो रही है। आपने इतने अमाउंट बढ़ा के ट्रेडिंग कर रहे हो कि आपका लॉस सारा रिकवर हो जाता है और प्लस जो है आप प्रॉफिट में चले जाते हो। अब रियल पे आके आप गलती ये करते हो कि आप 800000 से प्रैक्टिस करके सीधा जो है 500 रुपए रियल अकाउंट में जो है डालते हो और उससे सोचते हो कि हमें जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी पहली ट्रेड जो है लॉस हो जाती है, ठीक है, आपके अकाउंट में 500 रुपीज है और आपने जो है 100 रुपीज की या 80 रुपीज की जो है ट्रेडिंग कर ली तो उसके लिए जो है डबल अमाउंट आपको दूसरी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी 160 रुपीज की। 160 और जो है आप 80 मान के चलिए तो यहां पे 260 रुपीज आपकी दो ट्रेड में लॉस हो गए। अब तीसरी ट्रेड जो है आपके पास इतना अमाउंट नहीं है कि आप उसको लॉस को रिकवर कर सको प्लस जो है आप बेनिफिट में जा सको, तो इसलिए जो है आपको लॉस होता है प्रॉपर ट्रेडिंग की नॉलेज ना होने की वजह से। यहां पे जो है मैं रियल पे जो है आ जाता हूं, ठीक है, फिर से जो है आप लोगों को दिखाना चाहूं डेमो पे और रियल पे सेम चलता है, ठीक है। अगर आपको डेमो पे जो है प्रॉफिट होगा तो रियल पे भी प्रॉफिट होगा और रियल पे प्रॉफिट होगा तो यहां पे डेमो पे भी जो है आपको होगा, ठीक है, और लॉस होगा तो जो है दोनों पे होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, हम आप लोगों को यही सब कुछ जो है अपनी जो है वीआईपी कोर्स में सिखाते हैं कि आपको ट्रेडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, जहां पे हम आपको फ्री कोर्स, फ्री सिग्नल, फ्री एडवाइस, फ्री टूर्नामेंट, हर एक चीज जो है आपको फ्री में देते हैं। इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाना है जो कि हमारा बिल्कुल फ्री है, और अदर किसी भी तरीके से आप जाओगे तो बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, आप फ्रॉड चैनल में जा सकते हो, आपसे वो आपका ईमेल आईडी मांगेंगे, पासवर्ड मांगेंगे या फिर जो है आपसे पैसे मांग सकते हैं, ठीक है। तो हम ना तो आपसे ईमेल आईडी मांगते हैं, ना पासवर्ड मांगते हैं और ना ही हम आपसे पैसा मांगते हैं, ठीक है, ये मैं आपको वीडियो में क्लियर कर देता हूं। अगर मैं आपसे पैसा मांगता हूं तो आप बोल सकते हो कि भाई वीडियो कॉल करो और हमें दिखाओ कि आप शानी ही हो या फिर और कोई हो, ठीक है, क्योंकि वो आपसे वीडियो कॉल नहीं करेगा और वो शान नहीं होगा, ठीक है। तो रियल अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी के थ्रू जुड़ना है।
ठीक है, मैंने आपको जो है बता दिया है कि किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर भी जो है ट्रेडिंग करके दिखाई, डेमो पे भी जो है आपको बताया कि आप जो है सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, 8 लाख रुपए से प्रैक्टिस करते हो, 1000 या 2000 या 500 रुपीज जो है लेके आते हो, जो कि आपका बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आपको 500 रुपीज ही लेके आने हैं तो डेमो पे भी जो है आप 500 रुपीज से ही प्रैक्टिस करें, ठीक है, उससे ज्यादा से ना करें। जब आपको 500 से 600 700 रुपीज कर लो डेली जो है, आप इस तरीके से 3 दिन जो है ट्राई करें। अगर आप 3ों दिन आप विन करते हो तो आपके लिए एक गुड न्यूज है, आपको प्रॉपर नॉलेज हो गई है और हमारा एक्सपीरियंस 5 साल का है, वो सब कुछ जो है आपको मिल रहा है यूट्यूब की वीडियो में भी। बाकी हमने 2-2 घंटे की, 2.5-2.5 घंटे की आप लोगों के लिए जो है अपने VIP ग्रुप में जो है हमने वीडियो दी है, जो कि हमारा फ्री कोर्स है, ठीक है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। अब मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, हम जो भी जानकारी देते हैं वो सिर्फ जो है आपको नॉलेज के लिए जानकारी देते हैं, किसी भी कंपनी को घटावा या बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक चीज की रिक्वेस्ट होगी कि आप जो भी यहाँ पे बेनिफिट करते हो या लॉस करते हो, ठीक है, वो आपका अपना खुद की जिम्मेदारी होगी, हमारी या हमारे चैनल की इसमें कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑन नोटिफिकेशन बेल को जो है ओपन करें, और किसी को भी अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए बिल्कुल ना दें, आपके साथ फ्रॉड होगा, किसी को पैसा ना दें, 110% आपके साथ फ्रॉड होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।